ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब विचार करें कि आज घर में साधारण भी कोई बर्थडे मनाता है तो भी करेंगे, फल फूल रखेंगे, अच्छे अच्छे फूल माला ले जाएंगे, बुके ले जाएंगे। अब आप सोचिए कि परमात्मा शिव के यादगार उनके जन्मदिन पर हम क्या क्या चढ़ाते हैं। ऐसा प्रसाद चढ़ाते हैं जो कहेंगे वो खाया भी नहीं जाता है, क्योंकि परमात्मा इतना भोला है, हम सबका जो पिता है वो हमसे कुछ मांगने नहीं आया है और हम उसको दे भी कह सकते हैं। भक्ति में बहुत गाया, तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको, लेकिन अभी तक दिया नहीं था। दिया था किसी ने? मन धन सब रोज कहा, लेकिन वास्तव में अगर हमने दिया होता तो आज हल्के होते। तो परमात्मा कहते बच्चे देखो पुराना हमारा शरीर है, अब आप इसको सेवा में लगाओ, इससे अच्छे कर्म करो। मन जो हमारा भटका हुआ, उलझा हुआ, परेशान है, उस मन को मेरे में लगा दो तो मैं मन को सुमन बना दूं, तन को कंचन काया बना दूं। और विनाशी धन है जो हमारे साथ नहीं जाएगा, उसको भी श्रेष्ठ शुभ कार्य में सफल करो, क्योंकि कहा गया अपने हाथ जगन्नाथ। तो अपने जीते जी जो हम कर लेंगे वो हमारे साथ जाएगा। और परमात्मा पिता हमारे अंदर की कमी कमजोरियों को लेने आया है, क्योंकि कईयों को भय रहता है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सबको छुड़वा देती हैं। वास्तव में परमात्मा वो चीज़ नहीं छुड़वाता है, वो चीज़ें लेता है जो हमें दुख दे रही है। जब परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण हुआ तो सारी सृष्टि पांच विकारों की आग में जल रही थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो परमात्मा हमारे अंदर की इन बुराइयों को कहते हमें दान कर दो। काम विकार जो गंदी अशुद्ध कामनाएं हैं, परमात्मा ने कहा उसको शुभ भावना शुभ कामना में परिवर्तन करो। क्रोध अग्नि को शांति और शीतलता से जीतो। लोभ को ईश्वरीय ज्ञान धन का लोभ रखो। कितना हम ज्ञान रतन इकट्ठे कर ले तो हमारी जीवन समृद्ध बन जाए। मोह को परमात्मा ने कहा स्नेह से जीतो, क्योंकि बुराइयां छोड़ना कठिन है लेकिन नई चीज धारण करना आसान होता है। किसी बच्चे के पास टूटा हुआ खिलौना भी होगा वो नहीं देगा, अगर आपको लेना हो उसको दूसरा नया दिखा दो तो अपने आप छोड़ देगा। तो भले हम इन बुराइयों के वशीभूत होके रो भी रहे हैं, दुखी भी हैं, लेकिन हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, उसी में जी रहे हैं। कहते बहन जी बिना गुस्सा किए बच्चों की पालना कैसे करें? लोभ नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? तो माना हर चीज के लिए हमारे पास ऑप्शन भी है और छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, दुखी भी हैं। तो परमात्मा कहते इसकी जगह मैं गुण शक्तियां तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि जब तक स्थान खाली नहीं होगा तो मैं नया भरूंगा भी कैसे। तो अहंकार भी करना है तो शुद्ध अभिमान रखें, मैं त्रिलोकीनाथ परमात्मा का बच्चा हूं।